राजस्थान बदल रहा है। सोलर एनर्जी उत्पादन में राजस्थान देश में नंबर वन पर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 7 और अक्टूबर 2022 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 जारी की गई, जिसमें निवेशकों को आर्थिक इंसेंटिव देने के लिए कई प्रकार के बुके तैयार किए गए हैं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन 7 एवं 8 अक्टूबर 2022 को JECC सीतापुरा में किया गया, जिसमें देश विदेश के लगभग 4,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस समिट में लगभग 10,45,000 करोड़ रुपए के 4,192 MOU हस्ताक्षरित किए गए, जिसमें 6 से 9 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। यह भी हर्ष का विषय है कि इन 4,000 MOU में से 49% धरातल पर उतर चुकी हैं। और अब MOU साइनिंग कार्यक्रम। मेरा सबसे पहले अनुरोध माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्रीमती वीनू गुप्ता जी से कृपया स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय उद्योग मंत्री जी, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी, CS मैम, साथी अधिकारीगण, उपस्थित सभी इन्वेस्टर्स और उनके प्रतिनिधि, आज की इस MOU साइनिंग सेरेमनी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सबको विदित है, राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट समिट अक्टूबर में हुई, उसमें लगभग 11 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष है कि उनमें से लगभग 49% धरातल पर आ चुके हैं। विभाग द्वारा लगातार इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। विभाग के स्तर पर CS मैम, मंत्री महोदया के स्तर पर भी नियमित मॉनिटरिंग का ये परिणाम है कि हम इतना हाई परसेंटेज, 49% केसेस को सर कन्वर्ट कर पाए। सर, इसी क्रम में आज ये नए MOU साइन किए जा रहे हैं और इसमें 3 विभागों से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं। इंडस्ट्रीज के 3 प्रोजेक्ट हैं, टूरिज्म के 9 प्रोजेक्ट हैं और एनर्जी सेक्टर के 14 प्रोजेक्ट हैं। कुल 1.37 लाख करोड़ के MOUs आपकी उपस्थिति में साइन किए जाएंगे। विभागों की ओर से इन्वेस्टर्स को मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगी कि हम कंधे से कंधा मिला के आपके प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने में फैसिलिटेट करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार कि उन्होंने इस कार्यक्रम में पधारकर हम सबका हौसला बढ़ाया। धन्यवाद। धन्यवाद अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया। और अब मेरा विनम्र निवेदन माननीय उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी से, कृपया हमें उद्बोधन प्रदान करें। परम सम्माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सम्माननीय ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, सम्माननीय उषा शर्मा जी, मुख्य सचिव महोदय, ECS वेणु जी, कुलदीप राका जी, सभी विभागों के अधिकारीगण, सभी कंपनीज के प्रतिनिधिगण जिनके साथ आज MOU होना है। आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि राज्य में अक्षय ऊर्जा, पर्यटन इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में प्रतिष्ठित जो कंपनियां आज यहाँ पर राजस्थान में पधारी हैं और उन्होंने हमारे सरकार पर विश्वास जताया है। राजस्थान सरकार राज्य में निवेश वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गत वर्षों में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण ठोस कदम उठाए गए, जिनमें राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019, MSME एक्ट, कृषि प्रसंस्करण उद्योग नीति, सौर ऊर्जा नीति, विंड एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति, पर्यटन नीति, एथिनॉल नीति, MSME नीति, हस्तशिल्प नीति, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, वन स्टॉप शॉप का क्रियान्वयन होना, हाल ही में राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन 2019 और अधिक व्यापक बनाते हुए नीति को राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 अक्टूबर को लागू की गई। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इन्वेस्ट समिट जो हमारा सफल रहा राजस्थान में, ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए और समिट में देश और विदेश के साथ साथ जिले में भी जो हमारे रोड शो हुए तो जिले के भी इन्वेस्टर्स इसमें भागीदारी ली। और आज जो अब तक के प्रयासों से हम कुल में MOUs का
2035% एमओयूज एलओआईज हुए धरातल पर उतरने का जो था उसमें हम 49 का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं जो कि हमारे धरातल पर उतर गए। आज के कार्यक्रम में ऊर्जा पर्यटन जैसे क्षेत्र में लगभग 1,36,000 रुपए के 26 एमओयू हस्तांतरित किए जा रहे हैं हस्ताक्षरित। उन सभी में निवेशकों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बधाई देती हूँ। आपका विश्वास और सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और ये उत्साहवर्धक रहेगा आपकी परियोजनाओं को शीघ्र ही क्रियान्वयन करने के लिए, सफल संचालन के लिए। राज्य सरकार की ओर से मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि ऐसे ही सामूहिक प्रयासों से हमारे राजस्थान सरकार के हर क्षेत्र में देश में राजस्थान अग्रणी नंबर पर रहेगा और हमारे अधिकारीगण और सरकार की तरफ से आपको कहीं कोई कमी नजर नहीं आएगी। हम आपके साथ खड़े मिलेंगे वन स्टॉप शॉप में। अब हमने ये भी निर्धारित कर दिया, हमारे अधिकारी और मैं वहां पर उपस्थित रहती हूँ महीने के प्रत्येक बृहस्पतिवार को, पहले बृहस्पतिवार को जो समस्या होती है उसका वहां 14 विभाग वही समाधान हम तुरंत करते हैं। अभी हमने 125 से ऊपर समाधान जो प्रकरण वो लंबित थे उनको हमने सुदृढ़ीकरण करके उनको प्रमाण पत्र दे चुके हैं। हम आपके साथ रहेंगे। पुनः आप सभी को बधाई। धन्यवाद माननीय उद्योग मंत्री महोदया। और अब जिनके नेतृत्व में राजस्थान प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों का स्पर्श कर रहा है, मार्गदर्शन हेतु निवेदन ऑनरेबल माननीय मुख्यमंत्री महोदय। क्षमा करें, मेरा निवेदन है माननीय मुख्य सचिव महोदया से, कृपया अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। परम आदरणीय अन्य मुख्यमंत्री महोदय, माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर शकुंतला रावत जी, माननीय राज्य मंत्री पिछले विभाग श्री भवन सिंह भाटी जी, मेरे सभी साथी अधिकारीगण, मीनू गुप्ता जी, कुलदीप रागा जी, आशुतोष जी, रश्मि जी और पधारे हुए सभी उद्योग के मेरे मित्र, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम इन्वेस्ट राजस्थान जो एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट हुई थी जैसा कि विनु जी ने बताया और जिसमें हमने बहुत सफलता हासिल करी। 49% जो हमारे एमओयू साइन हुए वो ऑपरेशनलाइज हो गए जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स है राजस्थान में। नहीं तो हमेशा से ये माना जाता है कि इवेंट हो जाती है, एमओयू साइन हो जाते हैं, एलओआई साइन हो जाती है लेकिन इसके नतीजे देखने को नहीं मिलते हैं और पहली दफा थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में इतने एमओयू साइन हुए। माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर ने और सभी मेरे जितने भी मंत्रीगण हैं इससे जुड़े हुए उन्होंने लगातार इसकी बैठकें ली और विनु जी ने और मेरे लेवल पे भी इसकी बहुत बैठकें हुई, रिव्यू किया गया और जो भी इसमें जो कुछ भी अड़चने थी उनको हमने जो है समय रहते दूर किया और उसका नतीजा देखने को मिला कि 49% हम जो है ये साकार होते हुए देखेंगे और इसको इसीलिए बहुत सफल माना गया और इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री ने भी की थी। उसी को दौर को आगे जारी रखते हुए आज की ये छोटी सी इवेंट ऑर्गेनाइज की गई है जिसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इस के लिए समय दिया और आज बड़ी संख्या में मित्रगण पधारे हुए हैं और आज हम आपसे जैसा कि ACS इंडस्ट्री ने कहा और LCS मैं भी आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि कोई भी अगर ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ जो आपको लगता है समय रहते नहीं हो रही है, सो वी आर ऑलवेज वेरी वेरी एक्सेसिबल टू यू, वी आर जस्ट फोन कॉल अवे। कहीं कोई दिक्कत आती है बेझिझक हमें बताइए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सख्त डायरेक्शन है कि ये कागज पे नहीं रहे और ये जो है धरातल पे उतरे, तभी इन सब चीजों का मायने जाता है और राजस्थान ने इसमें अपना नाम कमाया है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म हो। पहली बार टूरिज्म में हमें हमारी जो इंडस्ट्री का जो दर्जा दिया है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राज्य सरकार की, कि उस वजह से भी हमारे एमओयूज जो है टूरिज्म सेक्टर में भी साइन हुए और इसमें अच्छा निवेश देखने को मिला है।
और एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्रोसेसिंग यूनिट्स में, सभी क्षेत्रों में राजस्थान जो है अग्रणी बनने की कोशिश कर रहा है। और पूरे देश में राजस्थान न केवल रिन्यूएबल एनर्जी में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी एक नाम कमाया है। और एक रिन्यूएबल एनर्जी में तो डेफिनेटली हम लोग जो है एक मील का पत्थर साबित हो चुके हैं। आज भी पावर सेक्टर के कई एमओयू साइन होंगे। मैं यहाँ ज्यादा समय आप लोगों का समय नहीं लेते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो हमें अपने संबोधन से लाभान्वित करें। धन्यवाद। उद्योग मंत्री सुकुमार रावत जी, ऊर्जा मंत्री बाबा सिंह वाटे जी, चीफ सेक्रेटरी उत्तर शर्मा जी, विनोद गुप्ता जी, कुदिवाका जी और तमाम अन्य उपस्थित उद्योग ऊर्जा विभाग के अधिकारीगण, पर्यटन विभाग के अधिकारीगण और देश भर के आए हुए तमाम राज्यों के जो हमारे निवेश करते हैं, मुझे खुशी है कि आज ये एमओयू साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। राजस्थान में वैसे अभी जब आंकड़े आए हैं कि जीडीपी में जो है राजस्थान सेकंड नंबर पर आया देश के अंदर, नंबर वन आंध्र प्रदेश 11.4% और राजस्थान 11.04%। कोरोना के बाद में राजस्थान जैसे प्रदेश में जिस रूप में दूसरे नंबर पे आना देश के अंदर, मैं समझता हूँ कि शुभ संकेत है। और ये शुरुआत जो हमारे उद्योग विभाग ने और तमाम साथियों ने की थी जब अक्टूबर के अंदर सीतापुरा में इन्वेस्ट राजस्थान हुआ था CIA के साथ में, और जिस रूप में लगभग 11 लाख करोड़ के MOU साइन होने की बात सामने आई, LOI और MOU भी, और जैसा आज आप आंकड़े बता रहे हैं कि 49% आपके MOU धरातल पर आ रहे हैं, ये अपना में शुभ संकेत है। क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात जो होता था तब भी मेरे ख्याल से हम सुनते थे 20-30% इम्प्लीमेंट हो पाते हैं, अब ये जो आप आंकड़े बता रहे हो 49%, ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। और ये सब आप लोगों की मेहनत का परिणाम है। और जो माहौल राजस्थान बना है, रिप्स 29 भी 22 भी आ गया लगातार, जो पॉलिसीज है, पॉलिसी इंडस्ट्री की, सोलर की, किसी भी चीज की जो पॉलिसी, टूरिज्म की पॉलिसी, टूरिज्म को हमने उद्योग का दर्जा दे दिया है देश के अंदर, मेरे ख्याल से और पता नहीं कहाँ है, पर मैं तो अपनी बात कहता हूँ, जब मैं टूरिज्म मिनिस्टर था 85 में तो मैं खुद मांग करता था राज्यों से कि आप इसको उद्योग का दर्जा दो, तो मेरा हाथ ही लिखा था अभी, इसलिए भाई मेरे हाथ से ये फिर उद्योग का दर्जा मिला है। उससे बहुत बड़े, मैं समझता हूँ कि टूरिज्म सेक्टर में बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो इस प्रकार से 49% की आप बात कर रहे हो, इस बात को लेके मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। सरकार बनते ही जो MSME एक्ट बनाया राजस्थान के अंदर, वो भी एक बड़ा कदम था, उसका भी अच्छा असर रहा, पॉलिसीज अच्छी आती गई, माहौल अच्छा बनता गया राजस्थान। वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर के अंदर भी मैं समझता हूँ कि राज्य उस श्रेणी में आता है जहाँ पर संभावना बढ़ जाती है, लेबर अनरेस्ट भी यहाँ पर लगभग नहीं के बराबर है। तो तमाम बातें हम देखें तो राजस्थान जो है उसकी तरफ लोग आना पसंद करने लगे। टूरिज्म तो बहुत बड़ा सेक्टर है, सोलर के अंदर भी और इंडस्ट्री के अंदर भी, सब सेक्टर में इन्वेस्टर आ रहे हैं। और मैं उनको सबको यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि परेशानियों की पहले बहुत बड़े वजह थी, अब काफ़ी कम हो गई है। और जिस रूप में पहले कावते बन गई थी, पर जब सिंगल विंडो का जो जब नया कंसेप्ट शुरू हुआ है उसमें कई प्रयास किए गए, कई नवाचार किए गए, फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। मैं विनोद गुप्ता जी को कहना चाहूँगा कि और ज़्यादा स्पेशली करें कि इसको और कैसे खत्म कर सकते हैं। जितना हम इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा इन्वेस्टर आने के लिए तैयार होंगे। और सब कुछ ठीक है, यहाँ का माहौल, यहाँ का मतलब सब तरह से, मैं समझता हूँ राजस्थान एक मुफीद जगह बन गई है देशवासियों के लिए।
और अब ब्यूरोक्रेटिक तरीके से और हम इम्प्रूवमेंट करेंगे तो वो इसकी ज़्यादा मैं जरूरत महसूस करता हूँ। बाकी आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों को बधाई कि CIA और गवर्नमेंट ने मिलकर, विभाग ने मिलकर जो 7 अक्टूबर को जिस रूप में ऑर्गेनाइज किया उसमें बहुत प्रभावित हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लगभग 11 लाख करोड़ के MOU LI हो जाएंगे, वो भी हुआ। और अब धरातल पे भी आप देखते हैं कि 49% के आसपास हम पहुँचे, तो मैं ये बात कहता हुआ आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब MOU साइनिंग कार्यक्रम, सबसे पहले मेरा अनुरोध श्रीमती वीनू गुप्ता जी अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग कृपया पधारें उद्योग विभाग से के साथ MOU के लिए। और हम आमंत्रित कर रहे हैं उन्हें जो विकास की इस गौरव यात्रा में हमारे सहभागी बन रहे हैं, सबसे पहले कीवी ग्रुप से कृपया डायस की तरफ पधारें। ये 2,892 करोड़ का निवेश करेंगे और 4,000 लोगों को इसमें रोजगार उपलब्ध होगा। धन्यवाद। और इसके बाद चीरीपाल ग्रुप से अनुरोध है, कृपया भी आए। इनके 700 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 1200 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। और इसके पश्चात केराकोल ग्रुप, कृपया आए। ये 200 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और उसमें 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। और इसके पश्चात ऊर्जा से संबंधित MOU साइन होंगे। मेरा अनुरोध है श्री आशुतोष एटी पेडनेकर सर से, चेयरमैन RRECL से, कृपया पधारें। और ONGC ग्रुप, ये 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 500 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके पश्चात टैप्सोल सन स्पार्कल प्राइवेट लिमिटेड, यह भी 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और 1500 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके पश्चात ग्रीन को एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, यह 13,500 करोड़ का निवेश करेंगे और 280 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके पश्चात रिन्यू पावर, रिन्यू पावर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और 2,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। रिन्यू पावर में ही अगला प्रोजेक्ट भी इन्हीं का है, ये 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और 350 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके पश्चात सेमालिया एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, सेमालिया एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ये 9,700 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और 250 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। गेल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड 7,250 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और 250 व्यक्तियों को
रोजगार उपलब्ध होगा। एक्ट में क्लीन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, यह 7,150 करोड़ का निवेश करेंगे और 900 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। यह एक साथ ही एक और प्रोजेक्ट, आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल लिमिटेड, आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेड, यह 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और 800 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। मलूर रिन्यूएबल्स, मलूर रिन्यूएबल्स यह 5,090 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और 700 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके पश्चात भाकरोटा सोलर पार्क, भाकरोटा सोलर पार्क 4,050 करोड़ का निवेश करेंगे और 300 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। बीपीसीएल लिमिटेड, बीपीसीएल लिमिटेड रिन्यूअल एनर्जी में ही 5,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा तथा 60 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। एस्प्रिट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, एस्प्रिट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड 150 करोड़ का निवेश होगा और 300 लोगों को रोजगार उपलब्ध किया जाएगा। और अब पर्यटन विभाग के साथ एमओयू, मेरा अनुरोध रश्मि शर्मा जी से, निदेशक पर्यटन। और ग्रेस कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, यह 122 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, 300 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। और इसके पश्चात उदयपुर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेस ग्रेस कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, यह 122 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और 300 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। उदयपुर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 105 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 200 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। संप्रति स्ट्रक्चर्स एलएलपी, यह 101 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, संप्रति स्ट्रक्चर्स एलएलपी 101 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और 110 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके पश्चात रूपम सोलर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, रूपम सोलर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के बाद दयाराम, उसके बाद आनंद बाग रिसोर्ट एंड स्पा एलएलपी, आनंद बाग रिसोर्ट एंड स्पा एलएलपी, थैंक यू। लक्ष्मणगढ़ फोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और नरेंद्र पाल सिंह,
थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत आभार। नरेंद्र पाल सिंह, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अब आभार प्रदर्शन के लिए मेरा अनुरोध ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के आयुक्त श्री ओम कसेरा जी से, कृपया पधारें और आभार प्रदर्शन की रस्म अदा करें। सबसे पहले मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप ही के विजन से राजस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और आप ही की नीतियों का परिणाम है कि हम इन्वेस्ट राजस्थान समिट अच्छे से कर पाए और अभी भी लगातार इन्वेस्टर्स के नोडल ऑफिसर के रूप में मैं ये देखता हूं कि इन्वेस्टर का कंटिन्यू इंटरेस्ट बनाया है राजस्थान की नीतियों में, और रिफ्स 2022 लॉन्च होने के बाद और भी ज्यादा हमारे पास दिन पर दिन क्वेरीज आती रहती हैं। फिर मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय उद्योग मंत्री महोदया का, जो सीएम साहब के विजन को आप अपनी नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर दिए। उसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माननीय विद्युत मंत्री महोदय का। आप सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो जिस सेक्टर में आ रहा है वो ऊर्जा और रिन्यूएबल ऊर्जा के क्षेत्र में है। फिर हमारे ब्यूरोक्रेसी के मुखिया आदरणीय मुख्य सचिव महोदया, एसीएस इंडस्ट्रीज महोदया, पीएससीएम सर और मेरे सारे सीनियर कलीग्स, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सबसे ज्यादा धन्यवाद आप इन्वेस्टर्स का और कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स का जो आप पधारे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो नीतियां हैं इन्वेस्टमेंट की उनमें आपका विश्वास है और राजस्थान के निवेश वातावरण में आपका विश्वास है और आपने एक फैसला किया कि आप यहाँ पे निवेश करेंगे। फिर उसके बाद में BIP इंडस्ट्रीज, रिको, एनर्जी, RRAC और टूरिज्म के समस्त अधिकारियों का आप ही की मेहनत से आज ये संभव हो पाया। और अंत में मैं CMR के स्टाफ का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। Your meeting has ended.